मेरा नाम जमील शाह है और मैं दरभंगा और उसका एक छोटा सा गांव दोघरा से हूँ, ये बिहार में पड़ता है। मेरे फादर जो है वो खेती वगैरह करते थे और मुझे मेरे गांव में कहते हैं कि वहाँ का मुर्गी भी पढ़ा हुआ है, और मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं कुछ पढ़ूँ, और बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पढ़ा सके। वो खेती वगैरह करते थे, मैंने भी उनको सपोर्ट किया खेती वगैरह करने में, बट उनके पास खुद का खेत नहीं था, दूसरे खेत में खेत जोत करके कैसे भी करके हम लोग को संभाला। और जब मुझे एग्ज़ाम देना था, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक रिफिल के पैसे दे सके। उस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे फादर के पास इतनी तकलीफ़ है और वो इतना नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जब कहते हैं कि आपके गांव के मुर्गी ही पढ़े हुए हैं, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कैसे पढ़ेंगे। मेरे गांव के लोग लॉयर है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, अपना बनारस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ। मेरे फादर ने कहा कि अब मेरे पास भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। किसी तरह से मैंने हिम्मत बनाया और मैंने सोचा कि मैं घर का बड़ा हूँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और मैं वहाँ से भागता हुआ दिल्ली गया। दिल्ली में जाने के बाद मैंने वहाँ पे कुछ लेदर्स का और छोटे छोटे कारखाने थे, मैंने उसमें जाके काम किया। काम करते करते ऐसा हुआ कि हम लोग एक दो संडे का दिन था, हम लोग घूमने के लिए गए। घूमते घूमते हमने देखे बड़े से पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें बहुत बड़े स्टार्स के लगे थे, शायद नाना पाटेकर जी थे, उनके पोस्टर लगे थे। मैंने बोला इनको मैंने कभी यहाँ दिल्ली में देखा नहीं है। तो मुझे कई दोस्त ने कहा कि अरे यार दोस्त, ये लोग यहाँ नहीं बॉम्बे में रहते हैं। और एक बात मैं बताऊं, ये लोग कहते हैं, कहावत है ये, कि दिल्ली है दिल वालों का और बॉम्बे है पैसे वालों का। मेरे मन में हुआ यार मुझे चाहिए पैसा, मुझे घर में देखना है, घर भी संभालनी है, घर की जिम्मेदारी है। किसी तरह से मैं वहाँ से गांव गया। गांव जाने के बाद मैंने मम्मी पापा को कहा कि अब पैसा चाहिए, घर में हालत ठीक नहीं है। किसी तरह से मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे आने के बाद एक भिवंडी एक जगह है जहाँ पे पावर लूम का काम होता है। लोग 18-18 घंटे 20-20 घंटे खड़े रह के काम करते हैं। मैंने कहा ये मेरे से नहीं होगा, मैं बॉम्बे जाने आया हूँ और ये स्टिल ऐसा लगता है कि ये गांव जैसा ही है। तो मैं वहाँ से किसी तरह से भागते हुए धारावी में आया। धारावी में आकर के इंटर किया हूँ। छोटा सा बच्चा था मैं उस टाइम पे, अभी शायद बड़ा हो गया हूँ मैं। और उस टाइम पे मैं धारावी में जब इंटर किया हूँ, देख रहे हैं एक दूसरे के साथ लोग झगड़ा कर रहे हैं या मार रहे हैं एक दूसरे के साथ। उस टाइम पे ये सब चीज़ें होती थी, बट अभी धीरे धीरे ठीक हो गया है। मैं इंटर किया हूँ, मैंने अपने आप को हिम्मत बांधा कि मुझे कुछ करना है। मैं किसी तरह से वहाँ पे हिम्मत बांध के मैं रुका। उसके बाद थोड़ा सा जो लेदर का काम मैंने सीखा था वो काम किया हुआ, मैंने छोटे से फैक्ट्री में काम किया, छोटे से थोड़े बड़े फैक्ट्री में काम किया, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना था, मुझे अपने आप को कुछ बड़ा फैक्ट्री में कुछ करना था। इसलिए मैं एक बड़ा फैक्ट्री में काम किया। उसका कंपनी का नाम था केलाल, बड़ी सी फैक्ट्री थी, 25-30 लोग काम करते थे। काम करते करते उन्होंने कहा कि बेटा एक काम कर, तू इसको मैनेज कर। मैं वो करते करते मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हो गए और मुझे लगा कि यार वो मैंने जो दिल्ली में पोस्टर देखा था वो मुझे लोग अभी तक दिखाई नहीं दिए धारावी में। लोग कहते हैं कि यार बॉम्बे में है, बट मैं मुझे लगा यही बॉम्बे है। वहाँ पर मैं ढूंढने की कोशिश की, वो मिले नहीं मुझे। बट किसी दोस्त ने कहा कि चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पैसे है आपके पास? मैंने बोला हाँ मेरे पास है पैसे, थोड़े बहुत जमा करके रखा था, क्योंकि मैं गाँव जाऊँगा तो घर वालों को दूंगा। वो दोस्त मुझे लेके गए, एक दो क्लब में लेके गए, एक दो पार्टीज़ में लेके गए, बट उसका बोलूँ तो उसको पैसा मेरी तरफ से खींचना था जो मैंने जमा करके रखा था। किसी तरह से उसने पैसे मुझसे खींच लिए और मैं जब उसको ढूंढने की कोशिश की, अरे तू किसी से मिलाया नहीं मुझे, मुझे उनसे मिलना था, तो बोला कि ठीक है मिलाता हूँ। उसके दो दिन के बाद वो भाग गया। भागने के बाद मैंने उसके जो मेरे एक उनका एक भाई मेरे साथ काम करता था, उनको मैंने कहा भाई तुम्हारा भाई मिलता नहीं है आजकल, कहाँ है पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो तो बेंगलोर गया है। और मेरी जान अटक गई, क्योंकि मैंने मेरे पैसे जितने थे मैंने सब उनको दे दिए। वो पैसे लेकर के वो भाग गया बेंगलोर। मैं किसी तरह से अब क्या करूँ, मैं ऐसे भागते हुए मैं बेंगलोर गया उनके पास। उनको ढूंढने की कोशिश की, बट किसी तरह मुझे पता चला कि वो दिल्ली चला गया है। वो सिचुएशन ऐसा हो गया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे कि या मैं गांव जा सकूं कि अपने माँ बाप के पास, या बॉम्बे वापस आ सकूं। मेरे पास इतने पैसे बचे थे, 10 रुपये बचे थे। और बैंगलोर में अच्छी बात है, उस टाइम पे 10 रुपये में अंडा राइस मिलता था जो आप पेट भर के खा सकते थे। मैं वो पेट भर के खाया, ऊपर वाले से दुआ मांगा कि या अल्लाह कुछ मेरे लिए भी कुछ होना चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ। मैंने ऐसे खाते खाते मैंने एक वॉचमैन को देखा और वॉचमैन को मैंने जाके कहा कि भाई मैं बिहार से हूँ,
मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, मुझे कुछ काम मिलेगा क्या? आप यकीन नहीं करेंगे, 10 मिनट में मुझे उसने काम पे लगाया, नाइट ड्यूटी वॉचमैन का, 6 बज रहा था, 8 बजे से ड्यूटी था, मैं वहाँ पे फटाफट गया, काम पे लग गया। वो दिन रमज़ान का चांद रात का दिन था और मैं रो भी रहा था और सोच भी रहा था कि मैं कहाँ के फंस गया हूँ और मैं इबादत भी नहीं कर सकता, कुछ कपड़े भी नहीं खरीद सकता। मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ऐसी ज़िंदगी कभी किसी को नहीं देना। दूसरे दिन सेम डे ईद की नमाज़ हो रही थी और मैं नहीं जा सकता था क्योंकि वो नाइट ड्यूटी ख़त्म करके मुझे डे ड्यूटी भी मिला। मैं वहाँ पे गया, एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई थी क्या, ताकि मैं उसको संभालूँ, वॉचमैन का काम ही वही होता है। वो करते करते मैंने सोचा कि यार ये लोग नमाज़ पढ़ने नहीं, मैं नहीं जा सकता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे ये ज़िंदगी दी है, मैं इसको संभालूंगा। किसी तरह से मैंने वहाँ पे काम किया, काम करते करते ऐसा हुआ कि नहीं मुझे कुछ और करना है। मैंने वहाँ पे देखा लोगों को गाड़ी चला रही है और ख़ास कर मैंने लड़कियों को देखा ड्राइविंग करते हुए, तो मैं सोचा कि अब जब लड़की गाड़ी चला सकती है मैं क्यों नहीं चला सकता, तो मुझे भी सीखना चाहिए। तो मैं कुछ दिन ड्राइविंग सीखा, ड्राइविंग सीख करके मैंने दिन में ड्राइविंग का काम किया, रात को वॉचमैन का काम किया। बहुत दिन हो गया, फाइनली मैं आपको एक बात बताता हूँ, ना मुझे वॉचमैन का पैसा मिला ना मुझे ड्राइविंग का पैसा मिला, जो भी बोल सकते हैं नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने जो वॉचमैन का, जहाँ नाइट ड्यूटी वॉचमैन का काम कर रहा था, मैंने उनको कहा अंकल मैं अब यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पैसा ही नहीं मिल रहा है और मुझे जो मिल रहा है सिर्फ खाने के लिए मिल रहा है, तो मैं कहीं जाना चाहता हूँ। तो बोला एक काम कर बेटा, जाने से पहले मैं तुमको कहीं लेके चलता हूँ। वो मुझे एक बड़ा सा हॉल में लेके गए जहाँ पे डांस का वर्कशॉप हो रहा था, वहाँ पे सालसा और जाइव का वर्कशॉप हो रहा था। मैं डांस कर रहा था, डांस करते करते सर सिखा रहे थे और उन्होंने देखा मुझे डांस करते हुए, उन्होंने कहा अरे तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, एक काम करो ना तुमको मैं एक और लड़की देता हूँ। आप समझ सकते हैं, एक बिहार से आया हुआ लड़का जिसको इतनी खूबसूरत लड़कियाँ मिल रही है डांस करने के लिए, एक मिली थी अब 2 मिली है, अब मैं क्या करूँ। चलो मैंने डांस किया, डांस करते करते मैंने उनको कहा कि सर मुझे डांस सीखना है, प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम क्लास में आओ, मैं तुमसे बात करता हूँ। मैं क्लास में गया हूँ, मैं बैठा था, मैं बोला सर मुझे सीखना है रुको। फाइनली उन्होंने आके कहा कि बेटा पैसा पहले कमाओ फिर बाद में क्लास में आओ। काफ़ी दुख हुई, मतलब कोई भी बच्चा अगर कोई चीज़ चाहे और उनको ना मिले तो कितनी दुख होती है वो आप लोग भी समझ सकते हैं। किसी तरह से मैं वहाँ से भागता हुआ आंटी के पास आया और वो अंकल के पास आया, मैंने बोला सर मुझे ये सीखना था, बट वो बोल रहे कि नहीं अब नहीं तुमको नहीं सिखाता हूँ। मैं वहाँ से भागता हुआ अंकल को कहा कि नहीं अब मुझे नहीं रहना है, आंटी ने थोड़े बहुत पैसे दिए, अंकल ने थोड़े बहुत पैसे दिए। मैं वो आ करके वापस बॉम्बे आया। बॉम्बे आने के बाद मैंने उसी फैक्ट्री में काम किया जहाँ से मैं भाग के गया था, उस आदमी को पकड़ने के लिए जो मेरे पैसे लेके भाग गए थे। काम किया, काम करते करते कुछ दिन के बाद मैंने मेरे बॉस को बोला सर मैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जाता हूँ, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैं डांस क्लास के लिए जाता हूँ। अगर वो मैं बताता उनको तो शायद वो मुझे भगा देते अपने यहाँ से। न्यूज़पेपर लेके आया, मैंने डांस क्लासेस ढूंढे, डांस क्लासेस ढूंढ करके मैंने जुहू में बहुत सारा क्लासेस था, बांद्रा में बहुत सारे क्लासेस थे, फाइनली संदीप सुपारकर जी मिले। संदीप सुपारकर जी को मैं मिला जा करके उनको अपनी कहानी बताई, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्हें हंसते हुए कहा बेटा कल से तुम क्लास में आ जाओगे। क्लास में गया हूँ, जो मैंने वो डांस देखा था वहाँ पे उसी तरह से मैंने देखा, बहुत खूबसूरत लड़कियाँ सब है, मतलब चलो अब फिर एक मौका मिला मुझे। मैं वो डांस करने के लिए जब इंटर किया हूँ, यकीन नहीं करेंगे लैटिन बॉलरूम में मोस्टली जो भी डांस करते हैं वो हिंदी बात नहीं करते, सब इंग्लिश बात करते हैं, इंग्लिश का ई भी नहीं आता था मुझे जब मैं क्लास में इंटर किया हूँ। कैसे भी करके मैंने अपने आप को सीखा, सीख करके मैंने 4 बार नेशनल जीता है। गोवा में 65 आवर्स नॉन स्टॉप डांस पार्टी हुई थी जो मैंने 55 आवर्स 20 मिनट्स कंटिन्यू डांस किया था। उसके बाद संदीप सर ने कहा अरे तुम लोग को इतने साल हो गए अब तुम लोग जूते पहनने चाहिए, डांस के जूते पहनो। मैंने सर ये जूते कहाँ मिलते हैं? लंदन से मिलते हैं, कुछ 12-15 हज़ार के आते हैं, मंगा लो। मैंने सर को सर मैं क्लास का फीस नहीं देता हूँ और जूते कहाँ से खरीदूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है काम करो जमील, तुम तो धारावी में रहते हो और मुझे पता है तुमको लेदर के लाइन का बहुत सारा चीज़ पता है, तुम एक कोशिश करो कम से कम ये जूते बनाने का। मैंने वो जूते लेके आया, वो जूते को निचोड़ सकते हो आप कपड़ों की तरह। मैं वो लेके गया, मैंने दिखाया लोगों को जो धारावी में जूते बनाते, उन्होंने कहा कि बेटा ये जूते यहाँ नहीं बनेंगे, ये तो
हमको समझ में नहीं आया, तो मैं थोड़ा बहुत डांस भी सीख चुका था, डांस सीखने के बाद मुझे नॉलेज हो गया, तो मैं दिन में काम भी कर रहा था और थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता था, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे उतने कि मैं उसको सपोर्ट कर सकूँ कि इतना माल ला के दूँ ताकि वो मुझे बना के दे, किसी तरह से मैंने उसको बैठ करके बनवाया, बनवा करके मैं सर को ले जा के दिया। सर ने बोला, जमील अगर इस जूते से तुमको मारूंगा तो तुम्हारे सर से ब्लड निकल जाएगा, तो उस जूते को इतना सॉफ्ट रखो कि अगर किसी को लगा भी तो एहसास नहीं होना चाहिए कि वो जूते से लगा है। अगर आप देखेंगे तो डांस के जूते एकदम सॉफ्ट होने चाहिए। उस तरह से मैंने कई जूते को मैंने अलग अलग तरीके से बनाया। बनाने के बाद फाइनली सर ने कहा कि अब तुम ये जूते स्टूडेंट को बेच सकते हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को जूते बनाए। फिर उसके बाद सर ने एक दिन कहा कि जमील एक काम करो, मेरे घर पे कुछ लोग आए हुए हैं जो हमारे पास डांस के लिए सीख रहे हैं, उनके लिए जूते बनाने हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, काजोल जी बैठी थी, फारा खान बैठी थी, अमीषा पटेल बैठी थी, सोनाली बेंद्री जी बैठी थी। मुझे लगा कि ये जो पोस्टर मैंने देखी थी वो यहाँ पे लोग रहते हैं, अब यकीन हुआ कि यहाँ पे रहते हैं। तो उस तरह से मैं उनको मिला। उनके बाद जब आपको यकीन याद होगा शायद कैली मिनोक जी यहाँ पे आई थी कुछ दिन पहले, कैली मिनोक जी आई, उनके लिए हमने शूज़ बना के दिया, बाबरा मोरे जी को बना करके दिया। ऋतिक रोशन को एक चप्पल चाहिए था मोहनजोदारो के लिए, उन्होंने मुझे उनकी मैनेजर से कॉल करवाया और उनसे कहा गया कि भाई जमील को बुलाओ और उनको बोलो मुझसे मिलना है। आप यकीन नहीं करेंगे, 10 लोग खड़े हैं वहाँ पे और कहा कि ये सर है यहाँ पे। मैं देखा वहाँ पे, क्योंकि उनके वैनिटी में नाम नहीं होता है। मैं अंदर गया और ऋतिक सर बैठे, बोले जमील मैं तुमको जानता हूँ और मुझे पता है तुम ही ये जूता बना सकते हो। तो उनके लिए मैंने एक रोमानी चप्पल बना के दिया, एक चाहिए था, उनके लिए मैंने 18 पैर बना के दिया, क्योंकि उनके मूवी के लिए वो बहुत सारे शूट्स होते हैं पानी में वगैरह, वो ख़राब हो गए, उसको मैंने बना करके दिया। उसके बाद से जितने भी डांस क्लासेस है यहाँ पे इंडिया में, बहुत सारे प्लेज होते हैं जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट, डांस इंडिया डांस, ये सब जो रियलिटी शोज़ होते हैं उनके लिए हम शूज़ बनाते हैं। और एक ज़माना था, लोग जब भी फॉरेन जाते थे जो डांस करने वाले लोग हैं उनको, अगर मैं जा रहा हूँ तो लोग मुझे कहते थे कि जमील तुम जाओगे तो मेरे लिए जूते लेके आना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोग जब इंडिया में आते हैं, बॉम्बे में आते हैं, तो फॉरेन से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जमील के यहाँ से जूते लेके आना। तो थैंक यू सो मच। मैंने रियलाइज़ किया कि इंसान में हिम्मत हो, काबिलियत हो, ईमानदारी हो, तो आप सब चीज़ पा सकते हैं। थैंक यू।